फर्जी मुकदमों में फांसकर एक बीमार इंसान को 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है और आज भी कोई साजिश ऐसी नहीं होती, कोई रुकावट ऐसी नहीं डाली जा रही जो बची हो उनकी जमानत होने में। और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय मेरे परिवार को इंसाफ देगा, आज तक दिया है आगे भी देगा। 23 महीने बाद आज की रिहाई हो रही है सर। तेईस महीने के बाद आज आप अंदर बाहर निकले हुए हैं, क्या कहेंगे सरकार के इस रवैये पे? ये है लोकतंत्र। सर आप बोलते नहीं, बोलते नहीं। जितना मैं बस एक बात कहूँगा आखिरी में, 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा, जालिम भी गुप्ता जी कहाँ बैठे हैं? अब्दुल्ला भाई, गरीब बेरोजगार महंगाई से परेशान। एक मिनट भैया, अब्दुल्ला जी एक मिनट। जिन अब्दुल के साथ जिन एक मिनट हट गया हुआ है वो भैया आपने समर्थक उठा लिया। एक मिनट जी, बोलिए 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 भैया। भैया सामने जाओ। और गरीब बेरोजगार नौजवान सब लोग जो इस सरकार से हट जाइए भाई साहब प्लीज। वो आने वाली 10 मार्च को, अरे मेरा भैया भैया थोड़ा साइड में हो जाइए भैया, पार्टी कर दीजिए। अब ठीक है अब्दुल्ला जी।